नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशन है इसमें हम टाइप सेकंड पर काम कर रहे हैं, पजल रिलेशनशिप पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था दोस्तों कि देखिए, जो क्वेश्चंस है वो एक साथ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, एक ही साथ चार पांच क्वेश्चनों को फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। वो सारे के सारे वैरायटीज जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो हम प्रत्येक क्वेश्चन में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन नया नहीं होगा, लेकिन अगर जो लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन नया नहीं होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है, कैसे कैसे बन सकती है वो आप देख लीजिए। ये जो दोस्तों इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है, मैं एक बार इसको बोल के बताता हूं कि जो इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों ऐसे आते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड सोल्व द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में आती है, ठीक है। और एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि जो दी गई इंस्ट्रक्शंस है उनका फॉलो करते हुए इन क्वेश्चनों का जवाब दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लैंग्वेज बोल के बता दी है, आप लिख लें। इन इंग्लिश में एक बार फिर मैं क्वेश्चन को बताता हूं। फाइव पीपल के एल एम एन एंड ओ आर सिटिंग अराउंड ए डाइनिंग टेबल। के इज मदर ऑफ एम, हु इज वाइफ ऑफ ओ। एन इज ब्रदर ऑफ के एंड एल इज हस्बैंड ऑफ के। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमारे को दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इनका फॉलो करते हुए हमारे को ये जो चार क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर करना है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। पांच व्यक्ति के एल एम एन और ओ खाने की टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। के एम की माँ है जो ओ की पत्नी है। एन के का भाई है तथा एल के का पति है। और इस तरीके से रिलेशंस पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही दिन से ये बातें बताई हैं कि आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप डायग्राम के रूप में फ्रेम कर पाते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर वे में डायग्राम फ्रेम कर लिया तो आपके लिए चाहे वो दो क्वेश्चन पूछे, चाहे वो एक पूछे, चाहे वो चार पूछे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप सभी क्वेश्चनों को एक का जवाब दे सकते हैं तो फिर सभी का दे सकते हैं। रिलेशंस जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं आपके साथ बेसिक टू और बेसिक थ्री वीडियो में, आप जरूर देखिए दोस्तों उनको, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि यार फादर का मतलब तो मैं अच्छे से जानता हूं, मदर का मतलब तो मैं अच्छे से जानता हूं। उसमें बहुत सारे रिलेशंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं इन दो वीडियोज में, तो वहां से आप उनको कवर करें, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए दोस्तों, जैसे मैं शुरुआत करता हूं कि पांच व्यक्ति हैं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं चारों ओर, तो ये जो लैंग्वेज है दोस्तों, ये थोड़ा सा कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने का हमारे को प्रयास करता है कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल देता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काम के नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों कि डाइनिंग टेबल पर अगर कोई बैठेगा, जैसे मान लो वो सीधी सी बात है, अराउंड ए डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल दोस्तों या तो इस तरीके से होती है तो पांच लोग ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे कहीं, ठीक है, या फिर वो अगर सर्कुलर है, ठीक है, अराउंड है, सर्कुलर भी हो सकती है, तो इस तरीके से पांच लोग बैठे होंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये हमारे कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को चाहिए ब्लड रिलेशन दोस्तों तभी आ पाएंगे जब हम पीढ़ियां बना पाएंगे, हम हमारे चाचा ताऊ फूफा मौसाइन की पीढ़ियां बना पाएंगे, दादा की पीढ़ियां बना पाएंगे, या फिर हमारे से नीचे वालों की पीढ़ियां बना पाएंगे। एक हायर की जो होगी ना, ऐसे
वहां पर ब्लड रिलेशन तय होंगे, इसके चारों ओर घूमने से ब्लड रिलेशन कभी भी तय नहीं हो सकते, ये हम अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है ये हमारे कोई भी काम की नहीं है, ठीक है। तो कई बार देखिए एग्जामिनर करता है ऐसा प्रयास कि आपको एक दो मिनट लेके डूबता है आपकी, और वो करेगा ऐसा, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, ये वो करता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सचेत रहेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि यार डाइनिंग टेबल पर बैठे होने का ब्लड रिलेशन के साथ क्या संबंध है, मैं ब्लड रिलेशन इसका क्या यूज ले सकता हूं डाइनिंग टेबल वाले का, नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ अगर वो लैंग्वेज में कुछ और बना के डाले तब तो है, अगर बैठे हैं नॉर्मल वे में कह रहा है कि ये बैठे हैं, अगर वो ये कहता है कि जो पिता है वो बेटे के सामने बैठा है, ठीक है, वो के एल का पिता है, तो हम उसके अपोजिट करेंगे, वहां पर हमारे को ये तय हो जाता है, लेकिन वहां से भी हम एक प्रॉपर वे में अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में जब भी इस तरीके की लैंग्वेज आती है आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शन उठाते हैं, वो कह रहा है के इज मदर ऑफ एम, क्या है दोस्तों, के इज मदर ऑफ एम, हु इज वाइफ ऑफ ओ, साफ साफ बोल रखा है दोस्तों कि जो के है वो माँ है किसकी, एम की। तो सिंपल सी बात है यार, के को आप लगाइए यहां पर और एम यहां पर आ जाएगा, वो साफ साफ ये कह रहा है कि के जो है दोस्तों वो एम की माँ है, ठीक है। तो जितने भी माताएं हैं दोस्तों वो सब फीमेल होती है, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि के इज मदर ऑफ एम हु इज वाइफ ऑफ ओ, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों ये जो हु है ना, जब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कराया जाए, और मैंने कुछ इस तरीके से अब डिजाइन किया है अपना प्रोग्राम कि दिसंबर तक मैं हो सकता है कि तीनों ही सब्जेक्ट में डाल दूं आपके लिए, रीजनिंग भी, मैथ भी और इंग्लिश भी, हो सकता है कि सभी को साथ लेते हुए चले हम, ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। और अब आपको देखिए दोस्तों रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, ऐसा मत सोचिए कि सब मिलेंगे नहीं वीडियो एक दो दिन में बाद मिलेंगे या नहीं, आज से आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगे डेली, एक या दो वीडियो या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये टारगेट किया है दोस्तों कि दिसंबर के एंड तक मैं तीनों ही सब्जेक्ट खत्म करवाऊंगा, ठीक है, और हो सकता है कि जीके के भी कुछ कुछ वीडियोज आपको मिल जाए। तो आप लोग देखिए दोस्तों इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं मैं तो यही कहूंगा आप कीजिए, क्योंकि अब मैंने ये सोचा है कि यार कैसे भी करा के एक बार ये सिलेबस अच्छे से डाला जाए, ठीक है, यूट्यूब पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो सिलेबस है उसको डाला जाए, ठीक है। और मैं उसकी दिशा में काम भी कर रहा हूं, कुछ चैप्टर्स हैं हमने खत्म भी कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हमारे, और हम धीरे धीरे और करेंगे, ठीक है। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको निश्चित रूप से ये जो सिलेबस है आपके इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें यह है कि के एम की माँ है, साफ साफ बोल रखा है कि के है वो एम की माँ है, हु इज वाइफ ऑफ, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों हु, ये देखिए रिलेट करता है किससे, जस्ट पहले वाले से, ठीक है। ये जो वर्ब आती है ये एम के लिए आई है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट करेगा किससे, अपने जस्ट पहले वाले से, और ये जो वर्ब है ये इसके लिए है, और ये वर्ब किसके लिए है, हु इज वाइफ ऑफ ओ, ये वाइफ के लिए आई है, कौन, एम। यानी कि कुल मिला के इतना समझिए कि अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इससे आप ये जज करें कि जो हु आया है ये अपने जस्ट पहले वाले को रिलेट करता है अपनी बाद वाली वर्ब से, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, एम इज वाइफ ऑफ ओ, अगर आप हु को हटाना चाहें तो सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि एम इज वाइफ ऑफ ओ, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन के कंसेप्ट है, जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश भी देखिए अपना मजा यही है कि जो भी पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि आज टेंस पढ़ा दिया, और लोग तो टेंस कराते नहीं है, मैं कहता हूं टेंस सबसे बेसिक नीड है इंग्लिश की, ठीक है। वो डायरेक्टली कहीं तो एडवर्ब से शुरू कर देते हैं, कहीं एडजेक्टिव से शुरू कर देते हैं, कभी प्रोनाउन से शुरू कर लेते हैं कोई लोग, ठीक है, वो सबके अपने अपने फंडे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप भी, आपके हमारे काम का इतना ही है,
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेट करता है किससे, जस्ट पहले वाले से, बाद वाली, अपने बाद वाली वर्ब से, ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो एम इज वाइफ ऑफ ओ, एम इज वाइफ ऑफ ओ। देखिए दोस्तों, साफ साफ बोला है कि जो एम है वो क्या है, वाइफ है किसकी, ओ की, ठीक है। अगर ये वाइफ है दोस्तों, तो ये जो ओ है ये इसका हस्बैंड होगा, और जितने भी हस्बैंड होते हैं वो सब क्या होते हैं दोस्तों, मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हिंदी में, देख लेते हैं, देखिए कई लोग हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे कि एम की माँ है। अब देखिए यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है जो, जो ओ की पत्नी है। देखिए दोस्तों, जो कौन, केजो है वो एम की माँ है, जो ओ की पत्नी है। जो ये जो शब्द आता है दोस्तों, ये अपने से जस्ट पहले वाले से कनेक्ट करेगा, इसको बाद वाले को, इसको, ठीक है। तो इन वर्ड्स का मतलब समझिए दोस्तों, कोई ज्यादा वर्ड्स नहीं है, ये दो चार वर्ड्स हैं गिने चुने, उनका आप मतलब समझिए। अगर आप इनका मतलब अच्छे से समझ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर जिसको ये नहीं पता कि यार हु के पहले जो वर्ड आएगा, जो भी आएगा वो बाद वाली वर्ब से कनेक्ट होगा, बस इतना ही समझना है कि हु के, ये जो वाइफ है ये किसके लिए आया है, जो हु के जस्ट पहले आया है, बस। हिंदी में जो शब्द आपको देगा तो जो का आपको पकड़िए, और जो से पहले जो भी आपको मिले उसको आप कनेक्ट कर दीजिए जो के बाद वाले से, ठीक है। हिंदी में साफ साफ ये याद रखिए कि जो के पहले जहां भी आपको मिले, जैसे यहां एम मिला, इसको आप जो के बाद जो भी आ रहा है इससे कनेक्ट कर दीजिए, इतना ही होता है। ये उसकी पत्नी होगी, नहीं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये एम को तो आप पत्नी बनाएंगे नहीं, और के को बना बैठेंगे यहां पर, ठीक है। के को किसके पत्नी बना बैठेंगे, ओके, ये होता है, मैंने देखा है, ये ऐसी गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो कई बार क्या होगा, जैसे इसका कंसेप्ट नहीं पता रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वो क्या करेंगे, के को वाइफ बना डालेंगे किसकी, ओके, और ऐसी गलतियां अक्सर होती रहती हैं, इसलिए आप अलर्ट रहे। जब भी हु का कंसेप्ट आता है तो इस तरीके से रिलेट करें, जस्ट पहले वाले से, या फिर हिंदी में जो देगा, जो का मतलब भी जस्ट पहले वाले से आप उसको कनेक्ट करें, किसके, जस्ट बाद वाले से, जो इन वर्ड्स के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, एम इज ब्रदर ऑफ के, यानी कि एम जो है दोस्तों वो के का भाई है, साफ साफ बात है। अगर दोस्तों एम जो है ये इसका भाई है, तो एम जितने भी ब्रदर होते हैं दोस्तों, वो सब के सब क्या होते हैं, मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो के का भाई है, सिंपल सी बोल रखा है। एंड एल इज हस्बैंड ऑफ के, एल इज हस्बैंड ऑफ के, एल जो है दोस्तों वो के का पति है, और जितने भी हस्बैंड होंगे दोस्तों वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब मेल होंगे, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इनका यूज करते हुए हमने ये डायग्राम फ्रेम कर लिया। इस बात को समझिए दोस्तों आप, ये जो दी गई इंस्ट्रक्शन है, इनकी सहायता से हमने ये डायग्राम जो फ्रेम किया है, ये आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप ये डायग्राम अच्छे से पकड़ पाते हैं दोस्तों, अगर ये डायग्राम आप अच्छे से पकड़ पाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप ठीक है, तो आप ये मान लीजिए दोस्तों कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस ये डायग्राम आपसे फ्रेम होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। अब देखिए, चाहे वो दो एक क्वेश्चन पूछे, चाहे वो दो पूछे, चाहे वो दस पूछे, फर्क क्या पड़ता है, जितने रिलेशन हम तो सभी का देखेंगे, एक पूछेगा तो भी सभी का देखेंगे, अगर वो चार पूछता है तो भी सभी का देखेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये साफ साफ बोल रहा है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा हम वैसे देखते हैं, हाउ इज एल रिलेटेड टू, ये जो एल बैठा है दोस्तों रिलेटेड टू ओ,
ठीक है, हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, साफ साफ बात है दोस्तों। अगर आप यहां पर खुद को अज्यूम करते हैं ओ की जगह, ये कह रहा है कि एल का ओ के साथ क्या संबंध है, समझना इस बात को। तो एल का ओ के साथ क्या संबंध है, देखिए दोस्तों दो बातें ब्लड रिलेशन में काम की हैं। पहली बात ये कि संबंध किसका बताया जा रहा है, और दूसरी बात ये कि संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। संबंध किसका बताया जा रहा है दोस्तों, एल का। संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ओके रेस्पेक्ट में। एल के संबंध तो के साथ भी है, एल का संबंध एन के साथ भी है, एल का संबंध एम के साथ भी है, एल का संबंध ओ के साथ भी है, यानी कि ये चारों के साथ संबंध रख रहा है एल। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल का ओ के साथ क्या संबंध है दोस्तों, तो जिसका भी संबंध पूछा गया है, एरो की डायरेक्शन आप उस तरफ घुमा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एरो की डायरेक्शन को जब घुमाएंगे तो अब आपको बताना है कि एल का ओ के साथ क्या संबंध है। अगर मान लो दोस्तों, अगर आप खुद को यहां पर अज्यूम करते हैं, यहां पर मान लो आप खुद बैठे हैं, तो ये आप हो गए, ये आपकी पत्नी हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, पत्नी। ये जो रिलेशन है ये ओ के रेस्पेक्ट में देखे जा रहे हैं, ये जो है दोस्तों पत्नी की मां हो गई, तो आपकी क्या लगी है, सास, समझना इस बात को। और एल जो है ये इस पत्नी के पति है, तो ये क्या लगे दोस्तों, ससुर लगे, बताओ कितना आसान है। और ये इस पत्नी का भाई है, क्या है दोस्तों, पत्नी का भाई है, कौन, एन, ठीक है। अब जब आप इतना बता पाते हैं दोस्तों, तो ये लग गया आपका ससुर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, एल का ओ के साथ क्या संबंध है दोस्तों, तो आएगा ससुर का, फादर इन लॉ, यह आएगा दोस्तों फादर इन लॉ। उसके बाद हाउ इज के रिलेटेड टू ओ, के का ओ के साथ क्या संबंध है दोस्तों, तो ये आ गया सास का, ये आ गई दोस्तों सास का, के का ओ के साथ क्या संबंध है, सास का, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मदर इन लॉ। इन रिलेशंस को अच्छे से समझते हुए चलना, हमने दो क्वेश्चनों का आंसर दे चुका हूं दोस्तों अभी आपके सामने, एक फादर इन लॉ, एक मदर इन लॉ। तीसरा जो सवाल है वो ये है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल, एन का एल के साथ क्या संबंध है, ठीक है, ये रहा एन और ये रहा एल, तो एन का, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल, संबंध किसका बताया जा रहा है, एन का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, एल के रेस्पेक्ट में। तो एरो की डायरेक्शन उस तरफ करेंगे जिसका संबंध बताया जा रहा है, ठीक है भाई। तो एरो की डायरेक्शन हमने घुमा दी किसकी तरफ, एन की तरफ। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एन का एल के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों एन जो है वो एल का क्या लग रहा है भाई, ये जो है ये इसकी पत्नी है के, एल की पत्नी है के, और के का भाई है एन, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या लगा दोस्तों, साला लगा, क्या लगा, साला, जिसको हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये दोस्तों तीसरा जो सवाल है हमारा, इसका आंसर है साला, एन का एल से क्या संबंध है, तो ये हो गया दोस्तों ब्रदर इन लॉ। ठीक है भाई, उसके बाद ये तीसरे सवाल का आंसर था ब्रदर इन लॉ। चौथे सवाल का आंसर है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, ठीक है, ये है एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम का एल से क्या संबंध है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो के है ये इसकी एल की क्या है, पत्नी है, और एम जो है वो के की बेटी है, ये इंस्ट्रक्शन से क्लियर हो रहा है, तो ये जब के की बेटी है तो एल की भी बेटी होगी, तो ये आ गया दोस्तों पुत्री,
क्या गया? पुत्री, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में डॉटर भी बोल देते हैं, डी ए यू जी एच टी ई आर, ठीक है। तो ये चारों जो सवाल हैं, देखिए कितने आसान से सवाल हैं और एक साथ हमने इनका जवाब दिया है। इसके अलावा कुछ और रिलेशंस जो रह गए हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये तो वो रिलेशंस हैं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या रिलेशंस हमारे से रखे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओ का के साथ क्या संबंध है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एरो की डायरेक्शन किधर करेंगे, जिसका संबंध बताया जा रहा है। ओ का संबंध बताया जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, बताया जा रहा है के के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये जो है ओ जो है ये के का क्या लगेगा, दामाद। दामाद या जमाता भी बोलते हैं। इसी तरीके से हमसे पूछा जा सकता, सन इन लॉ बोल सकते हैं दोस्तों, सन इन लॉ। उसके अलावा हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ओ का एल के साथ क्या संबंध है। इस तरीके से अगर रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो ओ का एल के साथ क्या संबंध है, तो वही है दामाद का, सन इन लॉ का, जमाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी क्या आएगा, जमाता का ही आएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, ये तो हो गया इसका, उसके बाद क्या बच गया भाई, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, एन का एम के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों एन का एम के साथ जो संबंध आएगा वो आएगा दोस्तों मामा का, अंकल का, या मैटरनल अंकल भी बोल देते हैं हम। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, मैं अंकल, ठीक है। इसको मैटरनल अंकल भी बोलते हैं, अंकल भी बोलते हैं, मामा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे से देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उनके रिप्लाई करने रहते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूं ऑडियो और वीडियो को। ठीक है भाई, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे संबंध होते हैं जो हम डिस्कस कर भी रहे हैं एक एक करके। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों और कि आपको जल्द से जल्द तीनों ही सब्जेक्ट या चारों ही सब्जेक्ट मैं इस पर चैनल पर डालूं धीरे धीरे करके, और अब से आपको देखिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और इसका अब इंतजाम किया है थोड़ा बहुत, अगर हो पाता है वो सक्सेसफुल तो आपको रिजल्ट भी देखने को जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।